अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया द्वारा हाल ही में एक वक्तव्य किया गया है, हिंदुओं को केंद्र में रखते हुए भारत के संविधान में संशोधन की जरूरत है। साथ ही हिंदू राष्ट्र बनाने का भी वक्तव्य तोगड़िया द्वारा किया गया, जिसका विरोध करते हुए आज संविधान परिवार नागपुर और सम्यक नागरिक संघ द्वारा पत्र परिषद में प्रवीण तोगड़िया पर कार्रवाई की मांग की गई है। उत्तराखंड में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रवीण तोगड़िया द्वारा एक वक्तव्य किया गया कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम देश का नया संविधान बनाएंगे, जिसमें मांग की जाएगी नए संविधान में मुसलमानों को शामिल नहीं किया जाएगा, साथ ही मुस्लिम व्यक्ति को सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, वोट का अधिकार भी उन्हें नहीं दिया जाएगा, सत्ता हासिल करने से भारत का संविधान बदला जाएगा। प्रवीण तोगड़िया ने घृणित, विभाजनकारी, सौहार्द बिगड़ाने वाला, सामाजिक शांति भंग करने वाला, धर्म समाज में नफरत फैलाने वाला, समाज में असुरक्षा की भावना निर्माण करने वाला वक्तव्य किया है और इससे लोक व्यवस्था भंग होगी, ऐसा पत्र परिषद के दौरान सुधाकर भगत द्वारा कहा गया। प्रवीण जी तोगड़िया जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष है और उन्होंने 4 दिन पहले उत्तराखंड में एक जो जाहिर कार्यक्रम हुआ था उसका वीडियो वायरल हुआ है और बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी यह बातमी उन्हें जो वक्तव्य किया उसके बारे में प्रकाशित हुआ है। तोगड़िया जी क्या बोलते हैं वो वीडियो में कि हम अभी हिंदू लोगों के लिए नई राज्य घटना बनाने जा रहे हैं और इस नई राज्य घटना में कोई भी मुस्लिम का समावेश नहीं रहेगा, कोई भी मुस्लिम को, किसी भी मुस्लिम को इस देश की सरकारी या नौकरी नहीं मिलेगी, मुख्यमंत्री, IPS, ये जो बड़े बड़े होते हैं, न्यायाधीश, ऐसे बड़े बड़े होते पे या कोई भी नौकरी में उनको नहीं रखा जाएगा उनके नए संविधान में, और मुस्लिम व्यक्ति को कोई भी सरकारी स्कूल में और कोई भी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट उनका उपचार नहीं होगा। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि किसी भी मुस्लिम को इवन वोटिंग का, मतदान का भी अधिकार नहीं होगा। इस तरह का उन्होंने भड़कावी भाषण किया है और हमारी ताकत से अब जब हम सत्ता में आएंगे और ताकत से हम जैसी ताकत प्राप्त करेंगे तो हम इस देश का संविधान बदल के रखेंगे, संविधान बदल के रखेंगे, ऐसा उन्होंने उच्चारण किया है। इसलिए इस वक्तव्य को हम निषेध करते हैं और हमारी जो संगठन है संविधान परिवार, सम्यक नागरिक संघ और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जो अम्बेडकरी जो जनता है उनकी ओर से हमने आज इस बात को उजागर करने के लिए, इस ये बात को आपके सामने रखने के लिए कि जो ये इनका कहना है तो मिल जाएगा वो आपको सभी को मालूम होना चाहिए, इसके लिए हमने ये पत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। निषेध किस प्रकार से आप दर्शाने वाले उसका? अब इसमें इन्होंने जो भाषण किया है ये भाषण कैसा है ये सबसे मैं पहले बताना चाहूंगा। ये भाषण द्वेषमूलक, इस देश का जो हम एकोपा है, इस देश को हम साथ में रहते हैं, बंधुभाव है, सामाजिक प्रशांतता है, धर्म धर्म में जो विद्वेष है और सामाजिक असुरक्षितता की भावना निर्माण करने वाला है और इससे इस देश में सार्वजनिक सुव्यवस्था बिगड़ने के लिए ये वक्त जो ये कारणीभूत होने वाला है और इसके लिए प्रतिबंधक कार्य बोलो या काम करने के लिए इन लोगों के ऊपर और ऐसे समविचारी लोगों के ऊपर जो हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की बात करते हैं, भारत का संविधान बदलने की बात करते हैं, उनके ऊपर IPC के तहत और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए हमने आपके सामने ये बात रखी है और आपके माध्यम से ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी इनके सामने जाना चाहिए, ये हमारी आपसे विनती है। हिंदू धर्म के अलावा भारत में जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध आदि धर्मों का पालन करने वाले लोगों की एक बड़ी आबादी है। भारतीय संविधान के कारण भारत एक है। वर्तमान केंद्र सरकार न्यायपालिका भारतीय संविधान की शपथ लेकर ही काम कर रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51C के तहत भाग 4C में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। उनमें से प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को
बनाए रखे और उसकी रक्षा करे और धार्मिक क्षेत्रीय वर्ग भेदों को पार कर भारतीय लोगों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा दे। मौलिक कर्तव्य संविधान की जीवनदायिनी है, क्या प्रवीण तोगड़िया भारतीय नहीं है? ऐसा सवाल उपस्थित करते हुए तोगड़िया पर कार्रवाई की मांग इस पत्र परिषद के दौरान की गई है। कैमरा पर्सन अमोल तुमसरे के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।